एक गांव में जो है एक महावर था। क्या था महावर? छोटी सी कहानी सिंपल सी सुनी होगी पर अच्छा लगेगा सुन के। एक महावर था, महावर वो होता है, महावर वो होता है जो हाथियों का ध्यान रखता है। किसका? हाथियों का ध्यान रखता है। तो हाथी का ध्यान रखता था, उसका एक बहुत बड़ा हाथी था, है ना। तो उसके पास में एक नया पड़ोसी आया, कोई पड़ोसी आया, पड़ोसी ने देखा, हाय हेलो हुई, हाय हेलो मतलब जो भी राम राम श्याम श्याम हुई, और वो रहने लगा। जब पहले दिन वो अपने कार्य के लिए निकला पड़ोसी, तो उसने देखा बड़ा सा हाथी बहुत पतली सी रस्सी से बंधा हुआ, बहुत पतली सी रस्सी से बंधा हुआ। फिर दूसरे दिन आया, तो दूसरे दिन देखा कि हाथी बंधा भी हुआ है और वो जो महावर है वो है भी नहीं। फिर तीसरे दिन ऐसा ही दिखा। चार पांच दिन गुजर गए, उसको समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। जब छठे सातवें दिन उसने उस महावर से पूछा कि मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप इतने बड़े हाथी को इतनी पतली सी रस्सी से बांध के चले जाते हो, छोटे से खूटे से, खूटा समझते हो जिसमें रस्सी बांधते हैं, और ये कहीं जाता भी नहीं, और आप तो घूम आते पूरे गांव में, तो ये कहीं जाता क्यों नहीं। उस महावत ने बोला कि ये जब पैदा हुआ था तब से मेरे पास है, तब मैंने इसको इस रस्सी से, तब ये छोटा सा था, तब ये छोटा सा था, चूंकि ये छोटा सा था तो उसने बहुत कोशिश करी इस रस्सी को तोड़ने की, पर ये छोटा सा था तब इसमें इतनी क्षमता नहीं थी तो ये तोड़ नहीं पाया। इसे आज तक ऐसा ही लगता है कि इसे तोड़, जबकि अगर ये एक झटका मारे तो तोड़ दे। ये दिमाग का खेल है। जो सवाल आपको छठी क्लास में, सिक्स क्लास में टफ लगता था, आज टफ लगता है कि आसान? टफ या आसान? आसान। आज जो चैप्टर पढ़ाया गया टफ लग रहा है, अरे चार बार प्रैक्टिस करो आसान लगने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त। अरे प्रयास तो करो भाई, प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। इसे जो टफ लग रहा है वो हमेशा टफ लगेगा ऐसा जरूरी? अभ्यास करो। डिस्कवरी में बहुत अच्छी से एक एग्जांपल आता है, कई लोगों ने देखा होगा, मैं हमेशा लेता हूं उसमें एग्जांपल। वो क्या डिस्कवरी पे आता है जो मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा नहीं है। डिस्कवरी पे क्या दिखाते हैं कि एक कांच का चैम्बर है, उसमें पानी भरा हुआ है, उस कांच के चैम्बर को आधे दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है कांच के पार्टीशन से ही, और एक तरफ 25-30 मछलियां डाल दी। कितनी? 25-30 मछलियां डाल दी, और वो मछली एक ही तरफ है तो पार्टीशन की तरफ उन्हें लगता है शायद और भी कुछ है, पर वो पार्टीशन पे जाती हैं, टकराती हैं, वापस आ जाती हैं, टकराती हैं और वापस आ जाती है, टकराती वापस आती है, जाती टकराती वापस आती है, जाती टकराती वापस आती है। 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटा दिया जाता है, 7 दिन बाद उस पार्टीशन को हटा दिया जाता है। जब उस पार्टीशन को हटा दिया जाता है तो विश्वास मानो उस 25-30 मछलियों में से सिर्फ एक या दो कोई मछली ऐसी होती है जो इधर जाती है, बाकी सबको लगता है कि आज भी दुनिया उतनी ही है। इफ द डोर इज क्लोज्ड इट डजंट मीन इट इज लॉक्ड। हमेशा दरवाजा बंद है तो ताला लगा हुआ ये जरूरी? कभी न कभी खुलेगा, प्रयास करते रहो। ये दिमाग का खेल है। किसका खेल है? आज सवाल नहीं है, अगले दिन आएगा, अगले दिन नहीं आया उसके थोड़े दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करो, पक्का आएगा। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखो कि आज चैप्टर टफ लग रहा है तो अगली बार टफ लगेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड रखो खुद को, सेल्फ मोटिवेटेड कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। रोज खुद से बोलो, कोई आपके आसपास वाला ऐसा नहीं होना चाहिए जो नेगेटिव हो। क्या आपका कोई दोस्त है जो नेगेटिव बातें करता है? अगर है तो छोड़ दो, कंफर्म नेगेटिव आदमी मैं कभी नहीं रहता। मेरे आसपास अगर कोई भी नेगेटिव बात करता है तो मैं उसके साथ नहीं रहता।